बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशियों से डरना ऐसी हालत है जिसमें इंसान हर खुशी के मौका पर उससे गमज़दा हो जाता है कि अभी कुछ बुरा होगा और सारी खुशी खत्म हो जाएगी। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। अगर तुम हर लम्हे इस बात का ख्याल रखते हो कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना दुखे तो तुम खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी नर्म दिली भी एक नेमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में ही रहते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, पर मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आता, चाहे वो जितना भी गुस्से में हो। जरूरी नहीं कि जिंदगी में वही कुछ मिले जो हम चाहते हैं। चाह से बढ़कर भी एक और शय होती है, वो है मुकद्दर, जो बदलता नहीं बदल देता है। सबसे ज्यादा दुख इंसान को तब होता है जब कोई उसके खलूस और मोहब्बत भरे जज्बात की नाकदरी करता है। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं तब हमें उसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। जिस रब का यूसुफ इतना खूबसूरत था, फिर सोचो उस रब का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना खूबसूरत होगा। हमेशा जवानी का चाइनीज राज, रोजाना एक कप गर्म पानी जितना के चाय गर्म होती है। चुस्की चुस्की जिस तरह चाय पीते हैं, सुबह निहार मुंह पी लें, आपका मैदा बिल्कुल ठीक रहेगा और कब्ज ना होगी और इंसान जल्द बूढ़ा ना होगा। चाइना में ये टोटका बहुत ज्यादा मकबूल है।